हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबको इको फ्रेंडली में गणेश जी बनाने चाहिए, जिसका कहीं ना कहीं योगदान सबका बना रहेगा। और इको फ्रेंडली बनाने का रीजन यही रहता है कि सबके समाज में सब लोगों को यही बनता है कि नहीं भाई, हमें इको फ्रेंडली ही गणेश जी बनाने हैं, मिट्टी के नहीं बनाने हैं, पीओपी के नहीं बनाने हैं। सेल करने के लिए नहीं, सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए है कि लोगों को इको फ्रेंडली ही बनाने चाहिए। किसी चीज से मिला के बनाने, ये सिर्फ चॉकलेट के 100% चॉकलेट के हैं। इसमें जो कलर लगा है वो गोल्डन कलर नहीं है, गोल्डन डस्ट है सोने की। मोदक भी है, मोदक जो है वो काजू के हैं, ये भी विसर्जन के लिए नहीं है, लोगों को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए। मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज यही देना चाहते हैं कि सबको ही छोटे गणेश जी बनाएं या बड़े बनाएं, इको फ्रेंडली बनाएं। मेरा नाम जयप्रकाश है। जब क्या कहना चाहेंगे? और मैं इसके बारे में, इन्होंने बहुत अच्छा पहल स्टार्ट किया है, ये आनंद भगत और इनकी फैमिली जो है, इसके इससे जो प्रदूषण का जो मात्रा होती है वो जीरो लेवल पे होगी आगे चल के। जैसे विसर्जन करते हैं हम सब जमुना जी में, किसी नदी में, पवित्र नदी में, तो उसमें क्या है कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे चीनी मिट्टी के बहुत सारे गणेश जी विसर्जन करते हैं और वो सब, इसमें क्या है कि बिल्कुल भी विसर्जन में 0% प्रदूषण रहेगा। और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ज्यादातर लोगों को ये पसंद आ रहा है। मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर काफी इसका मतलब फेमस देखा, तो मैं इसको देखने आया। इसका मतलब वेट भी बताते हैं उस पर यूट्यूब पर कि 80 kg वेट है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो इसलिए मुझे फिर यहाँ देखने आना। इसको बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ।